हाँ जी नमस्कार सभी अभ्यर्थियों को सक्सेस सेंटर सीकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है तो बिल्कुल जल्द से जल्द सभी से विद्यार्थी अपनी जो लाइव उपस्थिति है उसे दर्ज कराएं फिर आज पहले विद्यार्थियों सोल करते हैं अपन बिल्कुल बिल्कुल ये जो अपनी क्लास है ये डी के ये डी के से मैंने ऑर्गेनाइज नहीं किया भाई ये केवल जो यूपीआर टी जी टू फिटर का जो क्वेश्चन पेपर था भाई उसी का एनालिसिस करने के संबंध में ये क्लास ली है भाई विष्णु ठीक है बिल्कुल थोड़ी तबीयत खराब थी वरना डीआरडीओ के लिए भी आप सभी साथियों के लिए बिल्कुल बैक टू बैक मैराथन क्लास लेकर आते लेकिन वो कहते हैं ना शरीर भी कई बार मनुष्य का साथ नहीं देता तो बिल्कुल यही चक्कर हुआ भाई जब से यूपी आर यून टी जी में वहाँ जब मेरिट गए थे तो उसके बाद से तबीयत बिल्कुल लगातार खराब चल रही थी बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग सभी को नमस्कार तो एक बार सभी अभ्यर्थी जल्द से जल्द लाइव जुड़ जाए फिर आपको आज सोल्यूशन बताते हैं यूपी आरविनल टी जी के प्रश्न पत्रों का तो देखिए तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं जो पहला प्रश्न है आपका टीजी से रिलेटेड <coughs> पहले प्रश्न में पूछा गया है प्यारे अभ्यार्थियों ट्रांसफर्सिक हैंड व्हील इज ए मेन पार्ट ऑफ तो भाई ट्रांसफर्सिक हैंड व्हील प्यारे अभ्यार्थियों आपकी लेथ मशीन का एक, एक मुख्य भाग होता है जिसे आप किस नाम से जानते हो भाई जिसे आप जानते हो कैरीज के नाम से और केरीज के आपके मुख्यतः दो पार्ट होते हैं एक को आप बोलते हो क्या भाई एप्रन और दूसरे पार्ट को आप बोलते हो क्या भाई सेडल ठीक है कैरीज के आपके दो पार्ट होते हैं ना एक होता है आपका एप्रन दूसरा पार्ट होता है सेडल तो प्यारे भारतीयों जो आपका एप्रन होता है इसके ऊपर टोटल जो आपकी कैरीज कंट्रोल डिवाइसें होती हैं वो सारी की सारी कहाँ लगी होती है भाई कैरीज कंट्रोल सारी डिवाइसें आपकी कहाँ लगी होती है भाई एप्रन के ऊपर लगी होती है है. तो इन कैरीज कंट्रोल डिवाइसों का ही एक भाग आपका क्या है ट्रांसफर्जिंग हैंड व्हील है तो ये आपकी कहाँ पर लगी हुई रहेगी तो प्यारे अभ्यर्थियों ये आपकी लगी हुई रहेगी किसके ऊपर एप्रन के ऊपर क्लियर है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगले प्रश्न में बोला गया है अगले प्रश्न में बोला गया है भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिफरेंस विथ ऑक्सीडाइजिंग गैस कटिंग टॉर्च तो भाई जब भी अपन किसी ऑक्सीडाइजिंग गैस कटिंग टॉर्च के माध्यम से क्या करते हैं भाई किसी मटेरियल की कटिंग करते हैं तो वहां बिल्कुल बिल्कुल कोई समस्या वाली बात नहीं है तो देखिए क्या प्रश्न पूछा गया था ऑक्सीडाइजिंग गैस कटिंग टॉर्च ऑक्सीडाइजिंग गैस कटिंग टोर्च के संबंध में इनमें से कौन सा कथन आपका क्या है भाई सत्य है तो पहले कथन को आप पढ़ के देखिए पहला कथन आपका इसके लिए क्या माना जाएगा करेक्ट बोला गया है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन द अमाउंट ऑफ एसिडिलीन तो प्यारे अभ्यर्थियों जब भी अपन ऑक्सीजन और एसिडिलीन गैस कर्तन के संबंध में बात करते हैं तो वहां पर पूर्व तापन के लिए आपकी नेचुरल फ्लेम काम में ली जाती है जबकि गैस कटिंग के समय अपन क्या करते हैं भाई एसिडिलीन गैस को क्या करते हैं कम रखते हैं जबकि जो आपकी ऑक्सीजन गैस का प्रेशर है उसके माध्यम से अपन क्या करते हैं मेटेरियल को काटने का प्रयास करते हैं तो यहां पर बोला गया है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज मोर यानी कि ऑक्सीजन गैस की सप्लाई क्या रहेगी आपकी एसिटिलीन गैस की अपेक्षा अधिक रहेगी तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो आपका रहेगा वो रहेगा वही फर्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगले प्रश्न में बोला गया है हार्मोफ्लोराइड के पर आर आल्सो नो तो भाई हर्मोफ्रॉइड कैलीपर को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो देखिए इसे स्पेंडल अप सॉरी स्पिन अप कैलीपर नहीं बोल सकते मल्टी लेग कैलीपर नहीं बोल सकते सेक्शनल कैलीपर नहीं बोल सकते इसका जो दूसरा नाम होता है उसे आप क्या बोलते हो भाई ओल्ड लेग कैलीपर विषमपाद कैलीपर यही इनके क्या रहते हैं अलग नाम रहते हैं ठीक है बिल्कुल चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगले प्रश्न में बोला गया है एक उच्च सतह कठोरता और कठोर कोर को एक उच्च सतह कठोरता और कठोर कोर को उत्पन्न करने के लिए निम्न करने के लिए प्रयुक्त किए गए वाले प्रक्रम को क्या कहा जाता है तो प्यारे अभ्यर्थियों इस प्रश्न में ज्यादातर विद्यार्थी देखो सी और डी ऑप्शन तो आपका बिल्कुल यहाँ से देखते ही क्या हो जाता है कट जाता है क्योंकि देखो सतह कठोरता के संबंध में आपकी टेम्परिंग क्रिया भी नहीं है और आपकी एनिलिंग क्रिया भी नहीं है यहाँ से देखो सी और डी तो आपका तुरंत कट जाता है ठीक है अब बात आती है किसकी ए और बी की तो कई अभ्यर्थी इनमें कन्फ्यूज हुए होंगे पहले अभ्यर्थियों प्रश्न में बाकायदा जब आप इसकी इंग्लिश करके देखेंगे तो वहां पर आपको लिखी हुई मिलेगी हाई सरफेस हार्डनेस क्या लिखा हुआ मिलेगा हाई सरफेस हार्डनेस तो भाई सरफेस की जब अपन को कठोरता बढ़ानी होती है तो वहां पर अपन क्या करते हैं सरफेस की जब अपन को कठोरता केवल और केवल सरफेस की कठोरता यदि अपन को बढ़ानी होती है तो वहां अपन क्रिया अपनाते हैं कौन सी पृष्ठ कठोरण यानी कि केस हार्डनिंग की क्रिया ठीक है क्लियर है ना तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगले प्रश्न में बोला गया है हाँ जी अगले प्रश्न में देखिए क्या बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इन सोल्डरिंग प्रोसेस तो ये प्रश्न का आंसर मैं आप सभी विद्यार्थियों से लेना चाहूंगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा भाई धर्मपाल सिंह कटोप तो बताओ भाई ऑफ मैं क्या बताऊं बताओ जो ऑल एग्जाम रैंक वाली थी वहां आप लगा के देख लो ना वहां आप लगा के देख लो पता चल जाएगा भाई अपनी जनरल ओपन कैटेगरी की तीस पोस्टें हैं तो जिस इन तीस पोस्टों में जिन विद्यार्थियों के सबसे अधिक नंबर रहेंगे केवल वही विद्यार्थी क्या कर पाएंगे वही विद्यार्थी फाइनल मेरिट के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं विजेंदर कुमार ए एल पी टेक्निशियन के लिए भाई विजेंदर, ऐसी बात है कि में आपका कुछ रिकॉर्डेड भी मिलेंगी और कुछ आपको लाइव भी मिलेंगी ठीक है भाई बिल्कुल भाई मोहन लाल सैनी प्रणाम आपको भी तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर बिल्कुल आप आंसर की के अनुसार दे रहे हैं ना बिल्कुल बिल्कुल देखो इस प्रश्न का जो राइट right आंसर माना गया है प्यारे अभ्यर्थियों वो माना गया है क्लीन द मेटल भाई सबसे पहले अपन क्या करेंगे मेटल को क्लीन करेंगे उसके बाद में अप्लाई फक्स उसके बाद में हीटिंग और उसके बाद में अप्लाई शोल्डर इस प्रश्न का राइट right आंसर क्या रहना चाहिए कायदे से तो यही रहना चाहिए लेकिन प्यारे अभ्यर्थियों यूपी आर एन टी की जो आंसर की आई है उसमें इस प्रश्न का जो आंसर है वो अलग माना गया है अलग देखिए क्या माना गया है वहां पर आपका आंसर माना गया है अभ्यर्थियों आपका सी वहां बोला गया है क्लीनिंग द मेटल अप्लाइंग शोल्डर अपलाइंग फ्लक्स और बाद में क्या की गई है हीटिंग वहां पर ऑप्शन सी माना गया है तो अब मैं आप सभी विद्यार्थियों से पूछना चाहूंगा आप खुद सोच के देखिए कि भाई जब भी अपन सोल्डरिंग करेंगे तो भाई सॉरी देखो अप्लाई द दे सोल्डर सी नहीं माना गया शायद वहां माना गया है देखो एक मिनट रुको हां बिल्कुल ये माना गया है ऑप्शन नंबर डी वहां माना गया है बिल्कुल भाई सी नहीं माना गया है इसको एक बार छोड़ना बिल्कुल वहां ऑप्शन माना गया है क्या भाई आपका डी ऑप्शन पूछा गया है क्लीनिंग द मेटल तो मेटल को साफ कर लिया अप्लाइंग द फ्लक्स यानी कि फ्लक्स को आरोपित कर लिया उसके बाद में सोल्डर अप्लाई करना है और उसके बाद में आपको हीट देनी है ये बात वहां पर आपके मांगी गई है बिल्कुल भाई मेरा स्कोर एक है ठीक है चलिए तो वहां के अनुसार मैं आपको डी ऑप्शन बता रहा हूं बाकी देखिए प्रश्न मेरा खुद का गलत हुआ है मैंने जहां तक इस प्रश्न में करके आया हूं तो मैं इसमें बी ऑप्शन करके आया हूं भाई ठीक है लेकिन अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट की आंसर की के अनुसार देखें तो भाई वहां पर इस प्रश्न इस ऑप्शन को क्या माना गया है गलत माना गया है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगले प्रश्न में साथियों बोला गया है प्रश्न संख्या छह में अब कर्षक कणों को लेप सतह पर अपघर्षक कणों को लेप सतह पर स्थापित करने के लिए प्रक्रम को क्या कहा जाता है तो भाई जो अपना लेप टूल्स रहता है इस लेप टूल्स के ऊपर अपघर्षक कणों को स्थापित करने की जो क्रिया कहलाती है उसे अपन क्या बोलते हैं भाई चार्जिंग की क्रिया बोलते हैं भाई लेप टूल्स को क्या करना पड़ता है चार्ज करना पड़ता है ना और आपके तांबे और पित्तल से बने हुए जो लेप रहते हैं वो क्या होते हैं जल्दी चार्ज होते हैं तो यहां से आपकी क्रिया मानी जाएगी आवेशन यानी कि चार्जिंग की क्रिया चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बिल्कुल जो विद्यार्थी 160 के करीब है उनका सिलेक्शन बिल्कुल मैं आपको गारंटी देता हूं बिल्कुल फाइनली आपका सिलेक्शन जरूर होगा चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या सात पर बोला गया है प्रश्न संख्या सात में बोला गया है फोस्टरिंग का उपयोग के एक तरीके के रूप में किया जाता है तो भाई फोस्टिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है तो देखिए सतहों पर तेल प्रतिराधन बढ़ाने अब देखिए प्रश्न भी कई विद्यार्थियों का गलत हुआ है जबकि यूट्यूब के ऊपर मैंने इस प्रश्न को बहुत बार सोल्व करा दिया है अरे फोस्टिंग आपकी होती क्या है सामान्य एक हैंड स्क्रेपर के माध्यम से की जाने वाली क्रिया ही आपकी क्या कहलाती है फोस्टिंग या फिर फ्लोरिंग की क्रिया ठीक है तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई ऑप्शन नंबर ए रहेगा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगले प्रश्न में बोला गया है कठोरीकरण में हम कठोरीकरण में हम घटक के पृष्ठ पर डाल देते हैं तो भाई जब अपन कठोरीकरण करते हैं तो कठोरीकरण करते समय जो भी आपका वर्क पीस होता है इसके पृष्ठ के ऊपर आप किसकी मात्रा बढ़ाते हैं तो भाई सिंपल सी बात है यहां पर अपन सी यानी कि अपने कार्बन की मात्रा को क्या करते हैं भाई बढ़ाने का प्रयास करते हैं क्लियर है तो यहां से राइट ऑप्शन होगा आपका बी चलिए अगले प्रश्न पर अगले प्रश्न में आपको एक डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न था पूछा गया था चित्र में दिखाया गया नट आपका कौन सा है तो प्यारे अभ्यर्थियों बिल्ड नट नहीं है या फिर हेयर नट नहीं है यहाँ पर जो नट आपका है ये नट कौन सा है भाई कैसल नट है आप देख सकते हैं नट की जो बॉडी है इसके ऊपर की तरफ जो बेलना का रिस्सा है इसके ऊपर क्या बनाए गए हैं कुछ इस प्रकार के आपको स्प्लिट पिन के लिए स्लोट बनाए हुए मिल रहे हैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगले प्रश्न में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोलर बियरिंग अब देखो एक बार इस प्रश्न को फोस्टिंग में भाई आप हुक हुआ यूज ले सकते हो मयंक अंक फोस्टिंग के लिए बिल्कुल आप हुक यूज़ ले सकते हो तो देखो यहां से पूछा गया है भाई क्या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोलर बियरिंग अब रोलर बियरिंग का तो वैसे एक भी प्रकार नहीं है प्यारे अभ्यार्थियों लेकिन इस प्रश्न का जो राइट आंसर उन्होंने माना है वो माना है जनरल बियरिंग कारण आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कारण इस प्रकार से देखिए प्यारे अभ्यार्थियों कि भाई एक तो आपका बियरिंग होता है फ्रिक्शन बियरिंग एक आपका बियरिंग होता है कौन सा भाई एंटी फ्रिक्शन बियरिंग तो प्यारे अभ्यर्थियों जो आपके बॉल बियरिंग्स रोलर बियरिंग्स हैं ये किसके प्रकार माने जाते हैं ये आपके एंटी फ्रिक्शन बियरिंग के प्रकार हैं जबकि आपका जनरल बियरिंग है सामान्य आपका थ्रश बियरिंग है ये किसके प्रकार माने जाते हैं ये, है, 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 ये माने जाते हैं आपके फ्रिक्शन बियरिंग के तो रोलर बियरिंग का मतलब यहाँ से आप क्या ले सकते हैं एंटी फ्रिक्शन बियरिंग ले सकते हैं तो सेल्पलाइन थ्रस्ट एंगुलर ये तीनों किसके हैं भाई एंटी फ्रिक्शन बियरिंग के प्रकार है क्लियर है।, है बाकी ऑब्जेक्शन लगाने वाले स्टूडेंट जो भी हैं उन्होंने शायद इस प्रश्न के ऊपर भी ऑब्जेक्शन लगाया होगा ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगले प्रश्न में बोला गया है आमतौर पर टाका लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फ्लक्स कौन सा है तो पहले अभ्यर्थियों देखिए इस प्रश्न की इंग्लिश देखना बहुत जरूरी है अपन देखते हैं भाई इस प्रश्न की इंग्लिश में अगर आप वहां इस प्रश्न को देखोगे तो वहां आपको लिखा हुआ मिलेगा कि भाई ब्रेजिंग में सामान्यतः किस प्रकार का फ्लक्स काम में लिया जाता है ब्रेजिंग के लिए सामान्यतः किस प्रकार का फ्लक्स लिया जाता है तो प्यारे अभ्यर्थियों वैसे जो आपका रेजिन होता है ये व्यापारिक रूप से उपलब्ध क्या होता है सबसे अधिक काम में लिया जाने वाला गालक होता है व्यापारिक रूप से उपलब्ध सबसे अधिक काम में लिया जाने वाला गालक है लेकिन पहले बैठती हो ब्रेजिंग में जो गालक अपन काम में लेते हैं वो आपका क्या रहेगा बोरेक्स और सोल्डरिंग में जो गालक आप मुख्यतः काम में लेते हो उसे आप क्या बोलते हो भाई नौसादर बोलते हो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगले प्रश्न में बोला गया है अगले प्रश्न में बोला गया है ही टोटल परमिशेबल वेरिएशन इन साइज ऑफ ए होल और साफ्ट इज नो एज तो भाई किसी साफ्ट या फिर किसी होल की कि वो परमिशेबल अधिकतम साइज क्या है जिसे आप

the correct sequence of coaching media used in hardening process having highest to lowest cooling ज तो भाई हाईएस्ट से आपको क्या करना है लोवेस्ट की ओर चलना है तो पेरे अभ्यार्थियों सॉल्यूशन आपका क्या माना जाता है सबसे तीरु गति से ठंडा करने वाला ब्राइन सॉल्यूशन के बाद में आता है आपका वाटर वाटर के बाद में आपका आता है ऑयल जो मध्यवर्ती होता है और एयर ऑयल के बाद में आता है आपका एयर जो आपका धीमी गति से ठंडा करने वाला माना जाता है तो यहां से आपका राइट आंसर क्या होगा भाई ऑप्शन नंबर एक चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगले प्रश्न में बोला गया है निम्नलिखित में से बियरिंग सामग्री की कौन सी क्षमता धूल के कणों धूल के कणों को आंतरिक परत में स्थिर करने में सहायक होती है तो भाई ऐसी कौन सी आपकी सामग्री की क्षमता रहती है तो प्यारे अभ्यर्थियों यह क्षमता आपकी कहलाती है क्या एम्बेटेबिलेबिलिटी जिसे आप क्या बोल सकते हो अंत स्थापन बोल सकते हो देखो जी क्या होती है इसके संबंध में आपको बताता हूं भाई अंत स्थापन क्या होता है प्यारे अभ्यार्थियों जो आपके इंजन में लगे हुए जो आपके बियरिंग होते हैं आप बोल सकते हो जो आपके महंगे बियरिंग होते हैं ठीक है तो इन बियरिंगों के अंतर्गत क्या मिलती है भाई आपको लाइनिंग की भी मिलती है और ये लाइने आपके क्या करती है भाई ये लाइनिंग जो आपके प्रदूषक कण होते हैं भाई धूल के कण किसके रूप में रहेंगे भाई एक प्रदूषक कणों के रूप में रहेंगे तो ये जो आपके प्रदूषक कण रहते हैं इन प्रदूषक कणों को क्या करती है भाई अंदर समाहित करने का क्या करती है काम करती है तो यहां से आपका राइट आंसर क्या होगा भाई ऑप्शन नंबर सी होगा क्लियर है अरे भाई रणजीत बात ऐसी है देखो मेरिट वगैरह की बात तो ऐसी है कि आप ऑल एग्जाम के ऊपर अपनी रैंक चेक कीजिए आपको स्वयं पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट अभी तक वहां पर आए हैं बिल्कुल ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगले प्रश्न की अगर बात करें तो देखिए अगले प्रश्न में दिया गया है द डेप्थ ऑफ केस हार्डनिंग डिपेंड तो भाई किसी पदार्थ की केस हार्डनिंग जब भी अपन करते हैं तो किन किन बातों के ऊपर यह निर्भर करती है तो पहली बात लिखी गई है द साइज ऑफ पार्ट तो पार्ट का जो आकार रहता है पार्ट की जो साइज रहती है जैसे मान लो किसी पार्ट की थिकनेस है दस mm, मिलीमीटर किसी पार्ट की थिकनेस है पांच mm. मिलीमीटर तो ये केस हार्डनिंग जो आपकी है ये पार्ट की साइज के ऊपर क्या करती है डिपेंड करती है आगे बोला गया है कंडीशन ऑफ सरफेस जो आपकी सरफेस है इसकी कंडीशन कैसी है इसके ऊपर कार्बन कितना है कार्बन ज्यादा है या कम है इस बात के ऊपर भी डिपेंड करेगी आगे एक्टिविटी ऑफ कार्बोराइजिंग मीडियम तो जो आपका कार्बोराइजिंग मीडियम आपने केस हार्डनिंग करते समय काम में लिया है तो उसके ऊपर भी क्या करेगी डिपेंड करेगी तो यहां से आपका जो तीनों कथन है वही वो तीनों कथन ही आपके क्या है, है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की अगले प्रश्न में बोला गया है का उपयोग गेज द्वारा का उपयोग गेज द्वारा ओपनिंग ऑफ गेज के साथ तुलना करके निश्चित सीमाओं के भीतर आकार को चेक करने के लिए त्वरित साधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है तो प्यारे अभ्यर्थियों तुलना करके आप यहां पर किस गेज के माध्यम से क्या कर सकते हैं त्वरित रूप से क्या कर सकते हैं किसी मेजरमेंट को चेक कर सकते हैं तो वो गेज आपका कौन सा रहेगा भाई वो गेज आपका रहेगा कौन सा स्नेप गेज क्लियर है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जिन जिन प्रश्नों में स्टूडेंट्स के दिक्कत आई है उन प्रश्नों के ऊपर अपन ज्यादा फोकस कर लेंगे एक बार आगे बोला गया है आगे बोला गया है द हेड ऑफ हैमर इज जनरली मेड अप ऑफ वुड एंड रबर तो भाई ऐसा कौन सा हैमर है जिसका हेड मुख्यतः रबर या फिर कठोर लकड़ी का बना होता है तो वो हैमर आपका कहलाता है कौन सा प्यारे अभ्यर्थियों वो हैमर आपका कहलाता है मेलेट जिसे आप क्या बोल सकते हो मुंगरी भी बोलते हो भाई मेलेट यानी कि आपकी मुंगरी ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगले प्रश्न में बोला गया है Which of the following is not a इज नॉट ए परपज विच ऑफ द फॉलोइंग नहीं है मैंने बहुत शानदार आपको पहले से बता रखी है। यदि जिन भी अभ्यर्थियों क्लियर थी तो उनका प्रश्न कभी भी गलत नहीं हो सकता तो बोला गया है इंक्रीज टू हार्डनेस तो नॉट ए परपज तो भाई ऐसा कौन सा पर्पज नहीं है तो देखो पहला पर्पज ही क्या बोल रहा है कठोरता को बढ़ाने के लिए एनीलिंग क्रिया करोगे क्या भाई कभी भी नहीं की जा सकती तो पहला पर्पज ही आपका क्या निकलेगा यहां से गलत निकलेगा चलिए बढ़ते हैं आप जब भी क्या करते हो अपने इस्पात से बने हुए किसी पार्ट को क्या करते हो, भाई करते हो यानी कि इसको ठंडा करने का काम करते हो तो प्यारे अभ्यर्थियों एनिलिंग के अंतर्गत हमेशा अपन जो हमारी भट्टी होती है उस भट्टी को क्या किया जाता है स्विच ऑफ करके अपने पार्ट को क्या किया जाता है भाई ठंडा किया जाता है तो भाई यहां से आपका राइट आंसर क्या होगा स्लोली इन फर्नेस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर तो लीजिए अगला प्रश्न आपको क्या बोल रहा है देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है डोवेल पिन आर यूज्ड फॉर यूज्ड फॉर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स तो जो डोवेल पिन है आपकी वो दो कंपोनेंट्स को क्या करती है भाई जोड़ने के लिए काम में ली जाती है तो मेन आपका डोवल पिन का यहां से यूज पूछा गया है परमानेंट जोइनिंग के लिए डोल पिन नहीं काम में ली जाएगी डोल पिन का जो मेन मकसद रहेगा जो मेन पर्पज रहेगा वो क्या रहेगा भाई एक्यूरेट पोजिशनिंग यानी कि दोनों पार्टों की जो पोजिशनिंग है जो स्थितिकरण है जो उनका लोकेशन है उसको निर्धारित करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं डोवल पिन का उपयोग कर सकते हैं चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगले प्रश्न में बोला गया है ऑन इन ऑन इन माइक्रोमीटर द ग्रेजुएशन इज मार्क्ड तो भाई किसी माइक्रोमीटर की जो ग्रेजुएशन होती है वो कहां अंकित होती है तो देखो प्यारे अभ्यर्थियों एनविल पे नहीं होती फ्रेम पे नहीं होती स्पेंडल पे नहीं होती माइक्रोमीटर की जो वर्तीय स्केल होती है वो कहां अंकित होती है भाई आपके थिम्बल भाग के ऊपर क्या होती है अंकित होती है यदि यहां स्लीव होता तो फिर अलग बात होती ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगले प्रश्न में बोला गया है नीचे दी गई आकृति में आकृति की क्या कीजिए पहचान कीजिए तो देखिए यहां पर आपको एक पेज का हेड में बना के दिखाता हूं यह आपका पेज का हेड कुछ इस प्रकार से बना हुआ है भाई यहाँ पर यह आपका पेज का हेड बना हुआ है कुछ इस प्रकार से प्यारे अभ्यर्थियों यदि सेम यही आकृति होती तो आप क्या बोलते थे एक काउंटरसंक स्क्रू लेकिन देखिए प्यारे अभ्यर्थियों इस स्क्रू में आपको इस प्रकार से जो इसका हेड है इसका हेड आपको क्या मिल रहा है इस प्रकार से ऊपर की तरफ उठा हुआ नजर आएगा ठीक है तो इस स्क्रू को अपन बोलते हैं कौन सा अपना ओवल हेड स्क्रू बोलते हैं भाई क्या बोलते हैं ओवल हेड स्क्रू वैसे काउंटर संक स्क्रू के अंतर्गत ही आता है ये भी चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या तेईस पर बोला गया है पाइप आर यूज इन हॉट वाटर तो प्यारे अभ्यर्थियों बॉयलर बॉक्स बुबरी या फिर हॉट वाटर इन या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क इनके अंतर्गत जो भी आपके पाइप बने होते हैं वो किसके बने होते हैं भाई वो आपके कॉपर के बने होते हैं यानी कि तांबे के बने होते हैं क्लियर है ना बहुत बार मैंने भी आपको बताया पानी गर्म करने के उपकरण है जैसे सामान्य अभी सर्दियों में अपन गीजर वगैरह काम में ले रहे हैं तो उनके पाइप हमेशा कॉपर के बने होते हैं चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगले प्रश्न में बोला गया है प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ द हीटिंग द मेटल बी बिहाइंड क्रिटिकल टेम्परेचर इन ए सील्ड कंटेनर फील्ड विथ अमोनिया गैस इज कॉल्ड तो भाई किसी मेटल से बने हुए जो आपका पार्ट है इस मेटल से बने हुए पार्ट को क्या कर दिया जाता है एक कंपोनेंट में क्या कर दिया जाता है इसे सील कर दिया जाता है और फिर अंदर आपकी क्या की जाती है अमोनिया गैस क्या की जाती है भाई छोड़ी जाती है तो इस प्रक्रिया को आप क्या नाम देंगे तो प्यारे अभ्यर्थियों यहाँ पर अमोनिया गैस आपकी किस प्रक्रिया के दौरान काम में ली जाती है तो वो आपकी गैस नाइट्राइडिंग एक प्रक्रिया होती है जो नाइट्राइडिंग का ही एक भाग होती है जिसमें आपकी नाइट्रोजन गैस जो रहती है वो दो टुकड़ों में विभक्त होकर किसके रूप में काम करती है भाई अमोनिया गैस के रूप में ही काम करती है क्लियर है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगले प्रश्न में बोला गया है रोट आयरन इज प्रोड्यूस यूजिंग तो भाई रोट आयरन का प्रयोग देखो मैंने बहुत बार ये प्रश्न आपको बोला है कि भाई आप केवल पुलिंग पड़ने मत याद रखना आप एस्टन और बायर प्रोसेस भी याद रखना एस्टन और बायर प्रक्रम के माध्यम से भी अपन जिस लोहे का उत्पादन करते हैं वो आपका कौन सा रहता है भाई वो आपका रहता है कौन सा रोट आयरन और एस्टन और बायर प्रक्रम में जो भट्टी अपन काम में लेते हैं वो अपनी कौन सी रहती है भाई वो आपकी रहती है ओपन हर्थ फर्नेस रहती है कौन सी भट्टी रहती है ओपन हर्थ फर्नेस आपकी काम में ली जाती है और यहां पर जिस आयरन का आप निर्माण करते हो उसके लिए आपको जो कच्चा माल चाहिए वो क्या चाहिए तो वहां यहां पर आपको कच्चा माल चाहिए एक तो पिग आयरन और साथ में आपकी जो स्टील स्लेग है यानी कि जो आपका इस्पात का कबाड़ होता है उन दोनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है भाई रोट आयरन का निर्माण किया जाता है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और... अगले प्रश्न में बोला गया है टूल स्टील कंटेन्स द अमाउंट ऑफ कार्बन तो पहले और टूल स्टील अपन सामान्यता किसे बोलते हैं अरे सामान्यता अपने जो एस से बने हुए औजार रहते हैं उनके लिए तो अपन क्या बोल सकते हैं भाई टूल स्टील बोलते हैं ना तो भाई आपकी सामान्यता एस में कार्बन परसेंटेज कितनी पाई जाती है जीरो से एक तो आप बता सकते हो टूल स्टील में भी कार्बन क्वांटिटी कितनी बता सकते हो जैसे यहाँ जीरो के समथिंग का मान नहीं है तो मैं इसमें क्या ऑप्शन सही मानूंगा भाई डी जीरो पॉइंट नौ से एक पॉइंट पांच प्रतिशत तक का क्या रहेगा भाई कार्बन आपकी टूल स्टील में रहेगा चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगले प्रश्न में बोला गया है स्क्रू जेक हैज जेक आपका अधिक भार करने वाला क्या है, भाई? एक टूल्स है और उसके अंतर्गत एक मजबूत चूड़ी यानी कि आपकी स्क्वायर चूड़ी क्या की जाती है काटी जाती है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगले प्रश्न में बोला गया है रिवेट एक प्रकार का है तो भाई रिवेट एक प्रकार का क्या है भाई रिवेट एक प्रकार का बंदक ही तो है देखिए होल्डिंग डिवाइस नहीं है मार्किंग डिवाइस नहीं है वेल्डिंग डिवाइस नहीं है रिवेट एक प्रकार का क्या है भाई फास्टनर है यहाँ पे बोला गया है रिवेट एक प्रकार का यांत्रिकी फास्टनर है यानी कि मैकेनिकल फास्टनर है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगले प्रश्न में बोला गया है ए पार्ट हेड स्टॉक इज प्रजेंट इन मशीन तो भाई हेड स्ट्रोक पार्ट इनमें से किस मशीन में होता है तो हेड स्ट्रोक पार्ट आपकी वेल्डिंग मशीन में नहीं होता ईडीएम मशीन में नहीं होता और प्रिंटिंग मशीन में नहीं होता तो हेड स्ट्रोक पार्ट और टेल स्ट्रोक पार्ट कौन सी मशीन में है आपकी लेथ मशीन में होते हैं चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगले प्रश्न में बोला गया है द आउटपुट फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस इज कॉल्ड एट तो प्यारे अभ्यर्थियों ब्लास्ट फर्नेस के रूप में ब्लास्ट फर्नेस का उपयोग करके जो आउटपुट के रूप में जो लोहा आपको प्राप्त होता है वो आपका क्या रहता है भाई वो आपका रहता है पिग आयरन तो क्या बता सकते हो यहां से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई कच्चा लोहा यानी कि पिग आयरन चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगले प्रश्न में बोला गया है जनरली हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर इज यूज फॉर आर्क स्ट्राइकिंग इन वेल्डिंग प्रोसेस पहले अभ्यर्थियों जो लास्ट क्लास मैंने ली थी तो वहां मैंने आपको बताया था जी टी ए डब्ल्यू बताया था ना जी टी ए डब्ल्यू गैस टन आर्क वेल्डिंग को आप टिग वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं और टिग वेल्डिंग में जो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड आपका रहता है वो किसका बना होता है भाई वो आपका बना होता है टंगस्टन धातु का तो टंगस्टन को स्ट्राइक करने के लिए अपन को क्या चाहिए होता है हाई फ्रिक्वेंसी वाला ट्रांसफार्मर अपन को क्या लेना पड़ता है सॉरी जनरेटर अपन को क्या लेना पड़ता है काम में लेना पड़ता है तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर <coughs> अगले प्रश्न में बोला गया है एट द लुब्रिकेंट टेंड्स टू स्टार्ट फॉलोविंग तो भाई लुब्रिकेंट अच्छा किसी लुब्रिकेंट का वह गुण या फिर किसी लुब्रिकेंट का वह बिंदु जिसके ऊपर वह क्या करता है भाई स्टार्ट फॉलोविंग यानी कि अपने बहाव को क्या रखता है बनाए हुए रखता है तो कौन सा पॉइंट होगा

इस प्रश्न में बहुत से अभ्यर्थी कंफ्यूज़ भी हैं और बहुत से अभ्यर्थी क्या है तो प्यारे अभ्यर्थियों मैक्सिमम एल्यूमिनियम में आप चार पॉइंट दो प्रतिशत तक क्या मिलाते हैं कॉपर मिलाते हैं और चार पॉइंट दो प्रतिशत कॉपर मिला हुआ जो एल्यूमिनियम होता है उसे आप क्या बोलते हो भाई उसे आप बोलते हो डेलुमीन क्या बोलते हो भाई ड्यूमिन और जिन भी अभ्यर्थियों ने इसके लिए ड्यूरुमिन आंसर किया है बिल्कुल उनका क्या है भाई करेक्ट सही भी माना गया है ठीक है ना तो ये हो सकता है बाई मिस्टेक वो चार पॉइंट पांच यहां से टाइप करना चाहता हो या फिर पैतालीस हो गया हो हो सकता है ठीक है तो बाकी इसका राइट आंसर डुमिन रहेगा और मैक्सिमम कॉपर रहेगा चार पॉइंट दो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगले प्रश्न में बोला गया है पिस्टन पिन बियरिंग इन द हेवी ड्यूटी डीजल इंजन आर आर एन एग्जाम्पल ऑफ तो भाई जब अपनी जो पिस्टन पिन होती है भाई पिस्टन पिन जो आपकी रहती है ये किस प्रकार के बियरिंग का एक उदाहरण मानी जाती है तो प्यारे अभ्यर्थियों सिंपल सी बात है देखिए जो आपका निडल बियरिंग होता है इस निडल बियरिंग के जो रोलर होते हैं मैंने आपको क्लियर किया था इसका कॉन्सेप्ट निडल बियरिंग के जो रोलर होते हैं इनकी लंबाई हमेशा क्या रहती है अधिक जबकि आपका इन बियरिंग्स के जो रोलर्स होते हैं उनका डायमीटर क्या रहता है कम और आपकी जो पिस्टन बिन रहती है वो सेम टू सेम इसी सिद्धांत के ऊपर क्या रहती है बनाई जाती है पिस्टन बिन की लंबाई अधिक होती है हो, और डायमीटर क्या होता है कम होता है तो पिस्टन बिन को अकॉर्डिंग किसके अनुसार मान सकते हैं अपन निडल रोलर बियरिंग के अनुसार मान सकते हैं क्लियर है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगले प्रश्न में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक वांछनीय है निम्नलिखित में से कौन सी एक वांछनीय है विशेषता प्लास्टिक लेमिनेटेड बियरिंग पदार्थ पर लागू नहीं होती है तो देखिए ऐसी विशेषता जो आपकी प्लास्टिक से बने हुए बियरिंगों के ऊपर लागू नहीं होती तो ये यहाँ से थोड़ा सा एरर है पहला ऑप्शन था भाई ध्वनिहीन क्या था ध्वनिहीन संचालन ठीक है तो भाई ऐसी विशेषता जो लागू नहीं, तो के के नहीं होती बाकी प्लास्टिक से बने हुए जो आपके बियरिंग है ये ध्वनिहीन संचालन पर क्या करते हैं स्नेहन की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि सेल्फ लुब्रिकेटिंग होते हैं और उच्च संचालन क्या होते हैं भाई प्रतिरोधी भी होते हैं क्लियर है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगले प्रश्न में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर कटिंग मेटल्स तो भाई कटिंग मेटल के रूप में आप निम्न में से किसका प्रयोग नहीं कर सकते तो देखिए आपकी हेक्सा के अंदर ही आपकी पावर सा भी होती है आपकी होरिजेंटल सा भी होती है आपकी सर्कुलर कट सा भी होती है लेकिन हैमर सा आपकी किसी भी प्रकार की कटिंग मटेरियल से रिलेशन नहीं रखती है तो यहाँ से आपका राइट आंसर होगा भाई बी चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगले प्रश्न में बोला गया है आर यूज टू कीप मशीन कंपोनेंट्स इन एक्यूरेट अलाइनमेंट तो भाई मशीन कंपोनेंट को एक्यूरेट अलाइनमेंट के लिए आप निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे देखो अभी आपने देखी ये चीज इनमें से इन डेढ़ो क्वेश्चनों में से कई प्रश्न ऐसे थे जो अभ्यार्थी वाकई में सही कर सकता था लेकिन उसके बावजूद का, का निर्धारण करती है एज इट इज उसी का उत्तर यहां पर प्रश्न बनाकर दूसरा प्रश्न आपको बना दिया गया है क्लियर है सभी को बिल्कुल भाई विष्णु कुमार प्रणाम आपका भी स्वीकार है तो यहां से आपका राइट आंसर होगा क्या भाई डोबल पिन चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगले प्रश्न में बोला गया है रीमर एक प्रकार का है तो भाई इनमें से आपका कौन सा रीमर है तो देखिए ट्यूनिशियन रीमर आपने देखा होगा लोटस रीमर भी आपने देखा होगा मेरी रीमर भी आपने देखा होगा लेकिन प्यारे विद्यार्थियों रोज रीमर आपका क्या माना जाता है एक मशीन रीमर का ही क्या कहलाता है आपका प्रकार कहलाता है तो बाकी तीनों ही क्या नहीं है भाई बाकी तीनों आपके रीमर के प्रकार नहीं है जबकि रोज रीमर आपका क्या है भाई एक रीमर का प्रकार है चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगले प्रश्न में बोला गया है मर्दुकरण यानी कि टेम्परिंग के दौरान के बदले को पुनः स्थापित किया जाता है तो भाई टेम्परिंग के बदले ये प्रश्न बहुत अच्छा था भाई प्रश्न इसलिए अच्छा बता रहा हूं क्योंकि देखो इस देखो इस प्रश्न में यहां पर लिखा गया है कठोरता और यहां पर लिखा गया है चर्मता तो देखो प्यारे अभ्यर्थियों सामान्य भाषा में यदि इस प्रश्न को अपन देखेंगे तो चर्मता का मतलब आप क्या मानेंगे टफनेस टपनेस ही मानेंगे ना और कठोरता का मतलब आप क्या मानेंगे हार्डनेस लेकिन प्यारे अभ्यार्थियों देखिए ऐसे प्रश्न आपको क्या मिल रहे हैं भाई बिल्कुल भाई नेचुरली तो आप यही मानेंगे ना

चर्मता का मतलब भाई कठोरता अगर अपन यहां करें तो कठोरता का मतलब एक्चुअल में हुआ क्या उनके अनुसार इंग्लिश में टफनेस तो मर्दुकरण के दौरान यानी कि टेम्परिंग के दौरान टफनेस के बदले में कठोरता को क्या किया जाता है पुनः स्थापित किया जाता है इस प्रकार से ये ऑप्शन था तो इसका यहां से राइट आंसर क्या था भाई डी था हिंदी लैंग्वेज के ऊपर मत जाना इंग्लिश लैंग्वेज एक बार जरूर देखना ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर अगले प्रश्न में बोला गया है धूल धूल या गंदगी को धूल या गंदगी को निकाय में प्रवेश करने से रोकने के लिए संपीड़क और आप टर्बाइन में गैसों को सील करने के लिए मुख्य रूप से उपयोग की जाने वाली सील का प्रकार कौन सा है तो देखिए पहले अभ्यर्थियों ये प्रश्न मेरा खुद का गलत हुआ है मैंने इसमें किया था वाइपर सील इसका कारण क्या था देखो सील का प्रयोग अपन कहाँ करते हैं जब आपकी जो बियरिंग होती है ना इन बियरिंग के अंदर बियरिंग के अंदर यदि आपके बियरिंग में क्या नहीं जाए कोई भी आपके धूल के कण हैं इनसे आपको क्या नहीं करवाना संपर्क नहीं करवाना तो वहाँ आप करते हो किसका वाइपर सील का प्रयोग जबकि आपके टर्बाइन इंजनों में धूल के कणों से बचाव के लिए जो सील काम में ली जाती है वो आपकी सील रहती है कौन सी भाई लेबिरिंथ सील तो यहां से आपका राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर डी दोनों को स्पष्ट कर दिया है आगे कभी प्रश्न पूछ ले बियरिंग के धूल के कणों आप रटके मत बैठ जाना लेबिरिंथ सील क्लियर है ना चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हाँ जी अगले प्रश्न में बोला गया है का उपयोग बाहरी टेपर को मापने के लिए किया जाता है तो भाई एक्सटर्नल टेपर आप निम्न में से, से माप सकते हैं तो देखिए स्प्रीट लेवल एंड स्लिप गेज साइन बार एंड स्लिप गेज बिल्कुल भाई साइन बार और स्लिप गेज के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं एक्सटर्नल टेपर की क्या कर सकते हैं मेजरमेंट कर सकते हैं क्लियर है चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगले प्रश्न में बोला गया है नीचे दी गई आकृति में संधि के प्रकार की पहचान कीजिए तो प्यारे अभ्यर्थियों यहाँ पर जो जोड़ जो जो निर्मित हो रहा है ये जोड़ एक प्लेट आपकी ये है दूसरी प्लेट आपकी ये है ये जोड़ आपका कौन सा है भाई ये जोड़ है आपका टक्कर जोड़ जिसे आप क्या बोलते हो भाई बट ज्वाइंट तो कौन सा ज्वाइंट होगा भाई टक्कर संधि देखिए पहले ऑप्शन में दिया गया है बट ज्वाइंट क्लियर है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगले प्रश्न में बोला गया है ऑन ए ड्रिल होल तो no तो भाई जब किसी होल के 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 प्रवेश प्रवेश ऊपर 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 आपने क्या क्या कर 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 दिया, दिया, कर दिया, उसके को की की इस होल के की जाने वाली इस क्रिया को आप क्या नाम देते हैं भाई इस क्रिया को आप नाम देते हैं काउंटर सिंकिंग की क्रिया कितने कोण पे होती है तो चार कोण है भाई पिछहत्तर अस्सी नब्बे और एक सौ बीस चारों का क्या है प्यारे अभ्यार्थियों एक अलग उद्देश्य बनता है क्लियर है ना चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगले प्रश्न में बोला गया है निम्नलिखित में से किस अभियांत्रिकी निम्नलिखित में से किस अभियांत्रिकी धातु का हानिकारक नावी विकिरण के विरुद्ध उष्मा रोधी के रूप में उपयोग किया जाता है जो लास्ट क्लास ली थी यूपीआर विद्यार्थियों के लिए साढ़े तीन घंटे की मैराथन वहां इसके बारे में मैंने आपको स्पष्ट भी किया था कि जो आपकी लेड धातु होती है ये चार प्रतिरोधी धातु तो होती है साथ में हाइड्रोलिक और सल्फ्यूरिक एसिड का भी क्या मानी जाती है प्रतिरोधी धातु साथ में प्यारे अभ्यार्थियों न्यूक्लियर रेडिएशन का भी क्या रहता है प्रतिरोधी धातु माना जाता है तो यहां से आपका राइट आंसर होगा क्या भाई लेड चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगले प्रश्न में बोला गया है अगले प्रश्न में बोला गया है ठोस कार्बोराइजिंग में बेरियम कार्बोनेट का उपयोग के रूप में किया जाता है तो भाई बेरियम कार्बोनेट भाई बेरियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट ये अपन कहा काम में लेते हैं जो आपकी पेक कार्बोराइजिंग के दौरान जो आपका चार्जिंग मेटेरियल होता है भाई जो चार्जिंग मेटेरियल होता है ना उसके रूप में ही तो अपन किसको काम में लेते हैं अपने बेरियम कार्बोनेट को काम में लेते हैं तो बेरियम कार्बोनेट है क्या भाई ये आपका क्या है एक ऊर्जा है यानी कि एनर्जाइजर है जिसको आप क्या बोल सकते हो चार्जिंग मेटेरियल भी बोल सकते हो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगले प्रश्न में बोला गया है इंटरनल टेपरिंग सॉरी इंटरनल टर्निंग प्रोसेस इज आल्सो टर्न्ड तो भाई इंटरनल टर्निंग प्रोसेस को आप निम्न में से अन्य किस नाम से जान सकते हैं तो प्यारे अभ्यर्थियों इंटरनल टर्निंग प्रोसेस को आप किस नाम से जान सकते हैं आप इसे बोरिंग प्रोसेस के नाम से भी बिल्कुल जान सकते हैं क्योंकि बोरिंग भी हमेशा क्या होती है भाई भाई विजय कुमार टोटल जो क्वेश्चन थे वो थ्योरेटिकल से कितने थे भाई 150 क्वेश्चन थे और नॉन टेक के क्वेश्चन थे भाई टोटल कितने पचास 200 नंबरों का पेपर था चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगले प्रश्न में बोला गया है अभियांत्रिकी पदार्थ के रूप में टिन के गुणों टिन के गुणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है तो प्यारे अभ्यर्थियों देखिए टिन के गुणों के संबंध में आपका निम्न में से कौन सा सही है सबसे पहली बात पकड़ने वाली है क्या टिन का गलनांक? भाई टिन का गलनांक दो डिग्री सेल्सियस होता है तो भाई करेक्ट है अब दो और किसी में है नहीं तो आप बी सी डी को क्या कर सकते हैं गलत और आगे बोला गया है टिन की जो तनन सामर्थ्यता होती है वो कितनी मानी जाती है एक सौ सेमी सेमिक्यूब मानी जाती है ठीक है ना तो यहां से आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर अगले प्रश्न में बोला गया है जनरली जनरली फिलर मेटल इन इन द सोल्डरिंग इज एडेड फॉर्म ऑफ तो भाई जनरली जो आपका फिलर मेटल रहता है जो आप सोल्डरिंग में काम में लेते हैं वो किस प्रकार से आपको उपलब्ध मिलता है तो भाई सोल्डरिंग के अंतर्गत जो सोल्डर वायर आपका होता है वो क्या रहता है एक थिन वायर ही तो होता है भाई एक वायर ही तो होता है ना तो इसे अपन किस रूप में प्रयोग में ले सकते हैं पतले तार के रूप में अपन इसे क्या करते हैं प्रयोग में लेते हैं अगले प्रश्न में बोला गया है पाइप फिटिंग के संबंध में से संबंध में निम्न में से निम्न में से असंगत की पहचान कीजिए तो देखिए इलेक्ट्रोड आपका वेल्डिंग से संबंधित है जबकि यहाँ पाइप फिटिंग के संबंध में पूछा गया है तो एल्बो टी और रिड्यूसर तीनों का संबंध किससे है पहले अभ्यार्थियों आपकी पाइप फिटिंग से है तो इलेक्ट्रोड आपका वेल्डिंग से संबंधित है तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोड चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं अगले प्रश्न में बोला गया है फॉलोविंग तो से आपका कौन सा हार्डनेस टेस्टिंग मैथ माना जाता है तो प्यारे अभ्यार्थियों आपको ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ मिल रहा है क्या भाई नूप टेस्ट ये नूप टेस्ट क्या होता है भाई देखिये जो आपकी विकर हार्डनेस टेस्टिंग क्रिया होती है विकर हार्डनेस टेस्टिंग क्रिया अपन मानते हैं ना तो विकर हार्डनेस टेस्टिंग क्रिया का ही दूसरा नाम क्या है तो इसी का अदर नेम क्या है प्यारे अभ्यर्थियों आपका नूप टेस्ट है ठीक है ना याद रखना चलिए कोई बात नहीं भाई विष्णु आपका भी दिल से धन्यवाद अगर आप जैसे स्टूडेंट्स बिल्कुल यदि सक्सेस होते हैं तो बिल्कुल हमारी जो मेहनत है वो क्या आ जाती है काम में आ जाती है ठीक है तो देखिए अगले प्रश्न में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण नहीं है तो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का मतलब प्यारे बच्चों आपका पीपीई नहीं है तो भाई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आपकी फेस शीट शामिल होती है सेफ्टी शूज शामिल होते हैं ईयर प्लग भी शामिल होते हैं तो जो आपका स्पेनर है ये क्या आपका एक सेफ्टी एक पीपीई इक्विपमेंट है क्या बिल्कुल नहीं है भाई ठीक है तो ये आपका पीपीई में शामिल नहीं होगा चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगले प्रश्न में बोला गया है अनुप्रयोग अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त तो रोलर कॉन्टेक्ट बियरिंग का प्रकार कौन सा है जिसमें बियरिंग भारी अक्षीय के साथ रेडियल भार दोनों के अधीन होता है तो देखिए भाई ऐसा बियरिंग आपका कौन सा है जो अक्षीय भार के साथ में क्या कर सकता है रेडियल भार को भी सहन कर सकता है तो प्यारे अभ्यर्थियों यह बियरिंग आपका होता है कौन सा भाई टेपर रोलर बियरिंग तो टेपर रोलर जो आपका बियरिंग रहता है ये टेपर रोलर बियरिंग इस प्रकार से रेडियल भार को भी सहन करता है और इस प्रकार से जो आपका लोड पड़ता है भाई इस एक्सियल लोड को भी क्या कर सकता है सहन कर सकता है क्लियर है ना इस प्रश्न में भी कई अभ्यार्थियों के डाउट था लेकिन मैंने आपको बता दिया इसका ये राइट आंसर माना गया है भाई चलिए प्रश्न संख्या तिरपन में बोला गया है टफनेस ऑफ द मेटेरियल इज मेजर्ड डायरेक्टली बाई परफॉर्मिंग तो भाई टफनेस टफनेस यानी कि आपका चिमड़ापन तो भाई चिमड़ेपन के माध्यम से आप किसकी टेस्टिंग करेंगे रफनेस की टेस्टिंग की 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 टेस्टिंग टेस्टिंग हार्डनेस या फिर टेस्टिंग की? तो अभ्यर्थियों आप सभी को पता है जो भी आपके औजार रहते हैं वो कर्तन औजारों में क्या होता है भाई जैसे मान लीजिए आपकी चीजल है आप उसके ऊपर चोट मारते हो तो ये चीजल आपकी क्या होनी चाहिए इम्पैक्ट फोर्स को सहन करने वाली होनी चाहिए तो भाई जब इसमें टफनेस का गुण होगा तभी ये क्या कर पाएगी इम्पैक्ट फोर्स को क्या कर पाएगी सहन कर पाएगी तो यहाँ से जो आपकी टेस्टिंग की जाती है वो कौन सी रहती है भाई आपकी इम्पैक्ट टेस्टिंग रहती है चलिए बढ़ते है, अरे बैंड टेस्टिंग नहीं रहेगी भाई इंपैक्ट टेस्टिंग रहेगी चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगले प्रश्न में बोला गया है सोलिड कार्बोराइजिंग सोलिड कार्बोराइजिंग प्रोसेस इज भाई सोलिड तो कार्बोराइजिंग हिटिंग द पार्ट इन ए मोल्टन साइनाइड साल्ट बात तो भाई ये क्रिया आपकी की जाती है किसके अंतर्गत साइनाइडिंग के अंतर्गत आगे बोला गया है हीटिंग द पैक्ड बॉक्स इज कार्बोनेस मीडियम अबाउट 900 से 950 डिग्री सेल्सियस आगे बोला गया हैटिंग द पैक्ड बॉक्स इन एस्टोमेयर ऑफ अमोनिया एट ए टेम्परेचर तो अमोनिया को अपन करते हैं किसमें गैस नाइट्राइडिंग के अंतर्गत आगे बोला गया हीटेड सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम साइनाइड साल्ट बात तो भाई साल्ट बात में अपन कभी भी कार्बोराइजिंग की क्रिया नहीं करते सोलिड कार्बोराइजिंग की क्रिया नहीं करते तो यहां से आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी बोला गया है है हीटिंग द बॉक्स तो भाई क्या होता है? एक इस प्रकार का कास्ट आयरन का बना हुआ क्या होता है एक एयर टाइट बॉक्स होता है जिसके अंतर्गत अपन पार्ट को रखकर क्या करते हैं जो आपके कार्बनिक वातावरण को क्या करते हैं वहां पर तैयार करते हैं और उसके माध्यम से क्या की जाती है कार्बोराइजिंग की क्रिया की जाती है क्लियर है चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगले प्रश्न में बोला गया है फायर ड्यू टू मेटल्स मेटल्स आर क्लासिफाइड एज तो भाई मेटल्स की जो आग है वो आपकी किस श्रेणी की आग होती है तो प्यारे वो आपके आती है विद्युत की आग और इन्वॉल्विंग मेटल की आग आपकी किस श्रेणी की आग होती है भाई आपकी डी श्रेणी की आग होती है क्लियर है ना चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अगले प्रश्न में बोला गया है अगले प्रश्न में बोला गया है अग्निशामक यंत्र के उपयोग के संबंध में अग्निशामक यंत्र के उपयोग के संबंध में थोड़ा सा एरर है उसको जरूर सही करना होगा अग्निशामक यंत्र के उपयोग के संबंध में आपका जो पास शब्द काम में लिया जाता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है लास्ट क्लास में मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको पुल एम स्क्वीज या फिर स्विप ठीक है तो ये क्या है भाई एक करेक्ट सीक्वेंस है किसके संबंध में भाई पास के संबंध में ठीक है ना पास के संबंध में क्या है एक करेक्ट सीक्वेंस है पिन को खींचना लक्ष्य को निर्धारित करना स्क्विज यानी कि हैंडल को दबाना और स्वीप यानी कि इधर उधर इसे चलाना चलिए अगले आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगले प्रश्न में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम के उपयोग और अनुप्रयोग के संबंध में गलत है तो भाई एल्यूमिनियम से अपन छत की चदरे बनाते हैं भाई सामान्य सीटें बनाते हैं ना अपन बस की बार यानी कि बस वगैरह की जो बार्स रहती हैं जो रोड्स रहती हैं जिनको पकड़ के आप बसों में खड़े होते हैं ठीक है वो भी किसकी बनाई जाती है आपकी एल्यूमिनियम की खाना पकाने के बर्तन भी आपके किसके बनाए जा सकते हैं एल्यूमिनियम के तो भाई बैटरी के डिब्बे यानी कि बैटरी के जो कंटेनर होते हैं उनको कभी भी किसका नहीं बनाया जाता भाई एल्यूमिनियम का ज़्यादातर बैटरी के जो कंटेनर होते हैं वो किससे बने होते हैं पैर अभ्यार्थियों वो आपके जिंक से बने होते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगले प्रश्न में बोला गया है अगले प्रश्न में बोला गया है उच्च संघात भार उच्च सगात भार के कारण फ्रैक्चर का प्रतिरोध करने के पदार्थ के गुण को क्या कहा जाता है तो भाई हाई इंपैक्ट फोर्स के ऊपर किसी फ्रैक्चर का प्रतिरोध करने का गुण तो भाई फ्रैक्चर का मतलब स्थाई विरूपण तो स्थाई विरूपण के गुण की स्थायी विरूपण के गुण का प्रतिरोध कौन करेगा भाई स्थायी विरूपण के गुण का प्रतिरोध आपका करेगा कौन भाई आपका करेगा क्योंकि ब्रिटलनेस का गुण क्या करता है स्थायी विरूपण की अनुमति नहीं देता है जबकि टपनेस क्या देता है स्थायी विरूपण की अनुमति देता है तो यहां से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगले प्रश्न में बोला गया है इन वेल्डिंग इलेक्ट्रोड डिजिट e सा तो प्यारे अभ्यार्थियों देखिए जब भी अपन इलेक्ट्रोड का क्या करते हैं जब भी अपन इलेक्ट्रोड का क्या करते हैं भाई स्पेसिफाइड उसको करते हैं कोडिंग उसकी देते हैं तो इलेक्ट्रोड की कोडिंग सात अक्षरों से भी दी जाती है और इलेक्ट्रोड की कोडिंग चार अक्षरों से भी दी जाती है तो चार अक्षरों से जब भी इलेक्ट्रॉन की कोडिंग दी जाती है तो जैसे यहां पर लिखा हुआ आपको मिल रहा है ई सा तो देखिए ये जो आपका साठ होता है प्यारे ये उस इलेक्ट्रोड की क्या मानी जाती है, ये उस की रहती है? टेन क्या करते हैं स्ट्राइक करते हैं ना तो उस समय तो टेन मानी जाती है क्या भाई इंपैक्ट स्ट्रेंथ और साठ मानी जाएगी आपकी क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ तो यहां से करेक्ट ऑप्शन होगा भाई आपका सी चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगले प्रश्न में बोला गया है अच्छा <coughs> तो देखो भाई ऑक्सीऐसीडिलीन गैस ऑक्सीऐसीडिलीन कटिंग प्रोसेस के दौरान भाई कटिंग प्रोसेस के दौरान आप किस प्रकार से मेटल को काटने का कार्य करते हैं तो भाई ऑक्सीऐसीडिलीन प्रोसेस के माध्यम से जब भी अपन किसी लोहे को क्या करते हैं काटने का प्रयास करते हैं किसी आयरन को काटने का प्रयास करते हैं तो प्यारे बच्चों उसको अपन क्या करते हैं ऑक्सीडाइजिंग करते हैं भाई उसको क्या बनते हैं उसको ऑक्सीडेशन के माध्यम से क्या करते है? हैं काटते हैं तभी तो हाई प्रेशर क्या डालते हैं भाई इसके ऊपर ऑक्सीजन डालते हैं ना तो यहाँ से आपका राइट right आंसर हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग यानी कि आपका सी तभी तो ऑक्सीजन का अमाउंट क्या रहता है एसिडलिन से ज्यादा रहता है आगे पूछा गया है वरीय प्रकार का रोप ड्रम है तो भाई वरीय प्रकार का रोप ड्रम

भार जो अपना भार होता है इसे अपन क्या करते हैं जब अपन इस भार को क्या करते हैं पृथ्वी के समांतर क्या करते हैं वृक्षोप में खींचने का कार्य करते हैं तो वहां अपन काम में लेते हैं विंचेज का अब इन विंचेज से क्या रहती है आपकी जो वायर रहती है वो क्या रहती है लपटी हुई रहती है और वो किस प्रकार से लपटी हुई रहेंगी वो इस प्रकार से हेलिक्स ग्रुप में क्या होंगी लपटी हुई रहेंगी तो याद रखना यहां से आपका राइट आंसर क्या होगा ऐसा ड्रम जिसके ऊपर क्या कटे हो हेलिक्स खाचे कटे हो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न में बोला गया है प्रिल चक इज यूज टू होल्ड द वर्कपीस टू होल्ड द टेपर शेंक ड्रिल बिल टू होल्ड द चिप्स जनरेट ड्यू टू ड्रिलिंग या फिर टू होल्ड द स्ट्रेट शेंक ड्रिल शायद मेरे हिसाब से इस प्रश्न में कुछ एरर होना चाहिए भैया एक मिनट देखो मैं चेक करता हूं इस प्रश्न की इंग्लिश कुछ एरर होना चाहिए हम्म hmm, बिल्कुल भाई प्रिल चक नहीं है यहां पर चक है कौन सा ड्रिल चक ठीक है तो ड्रिल चक किस काम में आएगा भाई क्या आपका ड्रिल चक वर्कपीस को होल्ड करेगा या फिर होल्ड है, टेपर शेंग ड्रिल तो टेपर शेंग ड्रिल को होल्ड करेगा या फिर स्टेट शेंग ड्रिल को तो भाई सामान्यतः ड्रिल चक किसको होल्ड करने के लिए काम में लिया जाता है तो भाई ये लिया जाता है आपका किसको होल्ड करने के लिए बोलो अब इनको सबको बताना पड़ेगा कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगले प्रश्न में देखिए क्या बोला गया है अगले प्रश्न में बोला गया है पेरिडिक इंस्पेक्शन ऑफ द प्लांट इक्विपमेंट एंड मशीन आर डन टू कैरी आउट तो भाई जब अपन कौन सा इंस्पेक्शन करते हैं पेरिडुक इंस्पेक्शन तो भाई ग्रीसिंग के लिए ऑपरेशन के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए या फिर करेक्टिव मेंटेनेंस के लिए तो प्यारे अभ्यर्थियों देखिए पेरिडिक इंस्पेक्शन किसके अंतर्गत आता है यह आपका जो निवारक अनुरक्षण होता है जो आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोलते हो ना बिल्कुल भाई राज मेरे उनचास पॉइंट पांच नंबर आए हैं ठीक है भाई लो तो भाई ये किसके अंतर्गत आएगा ये आएगा, आएगा आपका निवारक अनुरक्षण यानी कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंतर्गत चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगले प्रश्न में बोला गया है अगले प्रश्न में बोला गया है नॉर्मोलाइजिंग प्रोसेसोप तो भाई नॉर्मोलाइजिंग प्रोसेस किस लिए की जाती है हीटिंग द पार्ट ऑफ बिहाइंड क्रिटिकल टेम्परेचर एंड कूलिंग स्टिल एयर तो भाई नॉर्मोलाइजिंग प्रोसेस में आप क्या करते हैं जब आप नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस के अंतर्गत क्या आप अपने कार्यखंड को स्टील एयर यानी कि एक स्थिर हवा में क्या करते हैं ठंडा करते हैं या फिर वाटर बाथ में ठंडा करते हैं स्लोली इन द फर्नेस या फिर कूलिंग इन द फर्नेस तो देखिए कूलिंग इन द फर्नेस नहीं होगा सोलिंग इन द फर्नेस नहीं होगा वाटर बाथ में ठंडा नहीं करेंगे तो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में अपन पार्ट को क्या करते हैं हीटिंग द पार्ट बिहाइंड क्रिटिकल टेम्परेचर तक उसे गर्म करते हैं फिर अपन इसे स्थिर हवा के दौरान क्या किया जाता है धीरे 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 क्या किया जाता है ठंडा किया जाता है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगले प्रश्न में बोला गया है आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट तो भाई निम्न में से कौन सा असंगत है ऑड का मतलब आपका कौन सा असंगत है तो देखिए पहले भारतीय ब्रास है जर्मन सिल्वर है ब्रॉन्ज है ये तीनों आपकी क्या है मिश्र धातुओं के अंदर का शामिल होती है तो ये पहला पेलाडियम ये क्या होता है ये तो आप जानो बाकी ये इनसे क्या है भाई असंगत है क्लियर है ना चलिए आगे बढ़ते हैं

इंस्पेक्शन ऑफ द प्लांट तो भाई ये इंस्पेक्शन जब आप प्लांट का इक्विपमेंट का और मशीन का इंस्पेक्शन जो आप करते हो पेरिडिक इंस्पेक्शन ये किसके अंतर्गत आता है ये आपके निवारक अनुरक्षण यानी कि प्री मेंटेनेंस मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है भाई ठीक है चलिए हा आगे दिया गया है नीचे चित्र में दिखाई गई जो कपलिंग है इस कपलिंग की पहचान कीजिए तो प्यारे अभ्यर्थियों ये जो आपकी कपलिंग दिखाई गई है ये आपकी जो कठोर कपलिंग होती है उसी का एक प्रकार होता है और इस कपलिंग को अपन जानते हैं किस नाम से मप कपलिंग के नाम से ठीक है ना किस नाम से जानेंगे भाई मफ कपलिंग के नाम से और इस कपलिंग में जो स्क्रू लगाए जाते हैं वो आपके कौन से रहते हैं भाई वो आपके रहते हैं एलन की स्क्रू रहते हैं कौन से स्क्रू रहते हैं भाई मफ कपलिंग में आपके एलन की स्क्रू रहते हैं चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगले प्रश्न में बोला गया है सिमट यूज ऑफ ड्रिल्स आर पॉसिबल इन मशीन तो भाई ऐसी मशीन आपकी कौन सी है जिसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हो भाई एक सीक्वेंस के अंतर्गत क्या कर सकते हो ड्रिल बिट को धारण करके क्या लिया जा सकता है भाई इसका आप अलग अलग ड्रिल बिटों को धारण करके एक सीक्वेंस के रूप में आप क्या कर सकते हो क्रिया कर सकते हो तो प्यारे अभ्यर्थियों ये मशीन आपकी कौन सी होगी भाई गैंग ड्रिलिंग मशीन जिसके अंतर्गत दो से लेकर कितने होते हैं भाई आठ तक के क्या होते हैं स्पैंडल होते हैं और इस गैंग में मैक्सिमम मेंबर भी कितने होते हैं भाई आठ होते हैं जबकि मल्टी स्पेन्डल वाली जो अपनी ड्रिलिंग मशीन होती है उसमें टोटल जो गैंग मेंबर होते हैं वो कितने होते हैं भाई अड़तालीस होते हैं आगे बोला गया है ओयल जेल एरोसोल आर ओल तो भाई क्या आपके ऑयल जेल एरोसोल क्या एक एनर्जी ड्रिंक है भाई एनर्जी ड्रिंक मान के कभी पी मत लेना ठीक है तो ये आपके क्या रहेंगे ये आपके रहेंगे भाई कटिंग फ्लूड्स जो आपके करतन फ्लूड्स रहते हैं उन्हीं को क्या माना जाता है आपके ऑयल है जेल है एरोसोल है इनको क्या माना जाएगा कटिंग फ्लूड्स चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगले प्रश्न में बोला गया है प्रेरण कठोरीकरण यानी कि इंडक्शन हार्निंग एक विधि है तो भाई इंडक्शन हार्डनिंग आपकी एक विधि है इंडक्शन हार्डनिंग किसकी विधि मानी जाती है तो प्यारे अभ्यार्थियों इंडक्शन हार्डनिंग फ्लेम हार्डनिंग कार्बोराइजिंग नाइट्राइडिंग ये सारी किसकी विधियां है भाई ये सारी आपकी केस हार्डनिंग की विधियां है क्या बोल रहे हैं भाई राव चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगले प्रश्न में बोला गया है कोटिंग फैक्टर फॉर इलेक्ट्रोड इज कैलकुलेटेड तो भाई इलेक्ट्रोड के कोटिंग फैक्टर को कोटिंग इलेक्ट्रोड के कोटिंग फैक्टर को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो अपना क्या होता है तो भाई विलेपन गुणांक का फॉर्मूला क्या है भाई प्यारे अभ्यर्थियों विलेपन गुणांक का फॉर्मूला क्या रहेगा भाई कोर वायर डायमीटर या फिर कोटिंग डायमीटर बिल्कुल कोटिंग डायमीटर बटे कोर वायर डायमीटर क्या कहलाता है भाई आपका कोटिंग फैक्टर यानी कि विलेपन गुणांक कहलाता है अरे भाई सी माइनस थोड़ी होता है कभी भाग दिया जाता है तभी तो जो कोटिंग है उसकी जो लेयर है उसकी मोटाई अपन को पता चलेगी चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं ये प्रश्न भी मैंने लास्ट क्लास में करवाया था आपको आगे बोला गया है आगे बोला गया है इज ए होल्डिंग डिवाइस एस्पेक्टली फॉर सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स तो भाई ऐसी कौन सी होल्डिंग डिवाइस है जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकती है होल्ड करने के लिए काम में ली जाती है तो पहले अभ्यार्थियों जो आपका वी ब्लॉक होता है ये केवल और केवल जो आपके सिलेंड्रिकल आकार के वर्क पीस होते हैं इनको सपोर्ट या फिर इनको क्लेम करने के लिए क्या लिया जाता है काम में लिया जाता है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगले प्रश्न में बोला गया है अगले प्रश्न में बोला गया है फाइव एस कॉन्सेप्ट द टर्म शीशो यानी कि शाइन शीशो का अर्थ क्या है भाई शाइन इंग्लिश में तो भाई साइन स्टैंड फॉर तो साइन का मतलब क्या होता है मैंने आपको एक दिन क्लियर किया था फाइव एस पद्धति में शाइन का मतलब चमक और किसी आदमी में चमक कब आएगी जब वो नहाय धोया होगा हो तभी तो चमकेगा ना भाई तो भाई साइन का अर्थ क्या हो गया साइन का अर्थ हो गया भाई नीट एंड क्लीन यानी कि साफ सफाई से रिलेशन क्या रखती है आपकी साइन भाई चमक कब आएगी आपकी कार्यशाला में चमक जब आएगी जब आप उसे क्या रखेंगे नीट एंड क्लीन रखेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं

बिल्कुल सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव परसेंट जो डेढ़ सौ परसेंट है टोटल सेवेंटी फाइव परसेंट आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे तो देखिए क्या बोला गया है कठोरीकरण की तकनीकी नहीं है निम्न में से कौन सा आपकी कठोरीकरण की तकनीकी नहीं है तो भाई देखो केस हार्डिंग के अंतर्गत साइनाइडिंग भी आती है कार्बोराइजिंग भी आती है नाइट्राइडिंग भी आती है अब देखो यहां पर यह तो थोड़े से ऑपरेटर की मिस्टेक है बाकी इसका सही ऑप्शन यदि मैं आपको देख के बताऊं तो एक मिनट रुको हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल एटोमाइजेशन करनी नहीं करनी नहीं दिखाया हुआ है तो भाई ये क्या आपकी कठोरीकरण की क्रिया होती है क्या बिल्कुल नहीं होती भाई ठीक है तो आज की क्लास में अपन ने को टोटल सेवेंटी फाइव क्वेश्चनों को देखा नेक्स्ट क्लास में अपन इससे बचे हुए जो पिछहत्तर क्वेश्चन है वो भी देखेंगे अब बताइए आपकी जो जो सवाल थे जो जो आपकी बातें थी वो आप बिल्कुल अब रख सकते हो मेरिट के संबंध में जो भी अभ्यर्थी जानना चाहते हैं तो देखिए जो अपनी आप सभी को पता होगा वो एक ऑल एग्जाम रैंक वाला जो लिंक है वो लगभग सभी ग्रुपों में है और लगभग सभी विद्यार्थियों ने उसके अंदर अपनी जो है अपना जो यू है उसको लगा के क्या किया है भाई अपनी रैंक भी चेक की है ठीक है ना तो बिल्कुल आप भी भाई रैंक चेक कर सकते हो भाई फारूक खान मेरे टेक्निकल में 135 क्वेश्चन सही है 150 में से एक के करीब होने चाहिए शायद एससी कैटेगरी में तो एक बार भाई राज आप एक काम करो ना उस ऑल इंडिया एग्जाम वाले लिंक के ऊपर अपना यूआरएल लगा के देखो फिर उसकी एक पीडीएफ डाउनलोड होती है उस पीडीएफ में आप ये देखो कि एससी कैटेगरी के, के कितने कैंडिडेट आपसे ऊपर है ठीक है ना और यदि वो जनरल की मेरिट फाइट कर रहे हैं तो आपके बिल्कुल फायदा हो सकता है अच्छा देवेंद्र शर्मा बोल रहे हैं सोल्डिंग में मैंने ऑब्जेक्शन लगाया है देखो वो सोल्डिंग वाला जो अनुपात वाला प्रश्न है ना वो कई जगह देखो सीधी सीधी बात है जैसे आप यूथ की बुक को देखोगे तो वहाँ आपको सॉफ्ट शोल्डर की संरचना पचास पचास मिलेगी लेकिन देखो भाई शर्मा जी यदि आपने ऑब्जेक्शन लगाया है तो यदि आपने किसी ऑथेंटिक बुक से लगाया है खासकर की बात अगर करूँ तो यदि आपका निम्मी से यदि ऑब्जेक्शन है तो तो अगर हो सकता है वो मान लिया जाए अन्यथा मेरे हिसाब से ऑब्जेक्शन शायद कम माना जाएगा उस प्रश्न के लिए हाँ बिल्कुल उसमें ऑल इंडिया एग्ज़ाम रैंक बनता है तो उसमें क्या दिक्कत है उसमें दिक्कत कहाँ है भाई फारुक़ खान और कोई ऐसा पर्सन हो जिसमें आपको लगे कि सर इसमें हमें ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए था बाकी देखो मेरे हिसाब से कोई विशेष पर्सन नहीं थे निम्मी से लगाया है निम्मी में मर्दु इस्पात का जो है मर्दु इस्पात का जो रेशियो है मिश्रण का वो तो सामान्य शोल्डर के लिए है सामान्य शोल्डर के लिए है ना पचास पचास वाला तो बिल्कुल बिल्कुल तबीयत अब बिल्कुल ठीक है भाई डीआरडीओ की क्लास के लिए क्वेश्चन लाए देखिए डीआरडीओ के लिए मैं आप सभी को एक बात बताता हूँ देखिए साथियों अभी तक मैंने यूपी आर टीजी टू के जब से फॉर्म स्टार्ट हुए थे मैंने आप सभी को लगातार यूट्यूब के ऊपर बैक टू बैक क्लासे लगाई थी आपकी ठीक है जिसमें अपन ने टॉपिक वाइज प्रश्नों को सोल्व भी किया था जो आपके पुराने क्वेश्चन पेपर थे उनको भी अपन ने सोल्व किया इसके अलावा मैंने आपको लगभग सात से आठ क्लासें आपकी मैराथन क्लासे भी लगाई ठीक है लेकिन साथियों देखिए अब मैं आपको बताता हूँ यूपीआर उसके लिए क्या नाम है डीआरडीओ के लिए मैं आपको बताऊँ तो देखिये डीआरडीओ के लिए अपन जो क्लासे यदि यहाँ तो देखो मैं क्लासे लेके नहीं आ पाऊंगा अगर क्लासे लेके आऊंगा तो आपके लिए इंजीनियरिंग ड्राॅइंग की जो क्लासें है वो बिल्कुल मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ ठीक है ना क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन तो मैंने बहुत ज्यादा अभी इन दिनों में खींच लिया है ना तो साइन टेन वाले का बिल्कुल साइन टेन वाले का इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि देखो अब इसमें देखो शर्मा जी क्या दिक्कत है इसमें दिक्कत ये है मैंने एक अभ्यार्थी से बात की तो उसने मेरे को कहा कि वहां एक ए, जो अपना ऑनलाइन कंप्यूटर सिस्टम था उसके ऊपर एक साइंटिफिक कैलकुलेटर भी अलाउ कर रखा था अब मेरे को तो ऐसा लगता नहीं है कि भाई कर रखा था वहां उन्होंने कहा कि भाई एक मैडम थी किसी स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी तो उसने मेरे को बताया कि भाई वहाँ एक मैडम थी उसने कहा कि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज ले सकते हो बल्कि आप कुछ सोच के देखो किसी ऑनलाइन एग्जाम में अपन ने देखा है क्या आज जहाँ अपन कैलकुलेटर की सहायता ले सकते हैं तो बिल्कुल साइन टेन वाले में अपन ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं क्योंकि वहाँ आपको साइन टेन का मान जरूर देना चाहिए था उनको और बताओ उमेश कुमार मैंने तो चार बार पांच बार बता दिया इस क्लास में मेरे वन फोर नाइन पॉइंट फाइव नंबर है ठीक है कौन कह रहा है भाई डीआरडीओ में ड्राइंग नहीं आती लिंक कहां मिलेगा अरे भाई लिंक कहां मिलेगा लिंक बहुत से हाँ देखो जैसे विष्णु भी बोल रहा है कि कैलकुलेटर था अब देखो भाई हमारे तो जो वहां पर इन्वेलीगेटर थे न तो उन्होंने कुछ ऐसा बताया कि भाई आपको यहाँ कैलकुलेटर मिलेगा बल्कि देखो ऑनलाइन एग्जाम का नियम क्या होता है आप खुद बताओ क्या अपन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गेजेट को ऑनलाइन एग्जाम में लेकर तो जा सकते हैं क्या तो भाई साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज मेरे को तो भाई मुश्किल ही लग रहा है क्या बोल रहे हो भाई मेरी टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हो क्या टेस्ट सीरीज में हिंदी में मिस्टेक है बिल्कुल हिंदी में देखो कई बार क्या होते हैं भाई फॉन्ट चेंज हो जाते हैं जब एप्लीकेशन पे अपन क्वेश्चन को डालते हैं तो फोन चेंज हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं हिंदी इंग्लिश दोनों आपको दी हुई है तो दिक्कत कहाँ है अच्छा आपने यूज किया था बिल्कुल देखो हमें तो इस बात की जानकारी नहीं थी मुझे क्या लगभग मेरी जो मेरा जो होल था भाई उसमें मेरे हिसाब से किसी भी विद्यार्थी को इस बात की जानकारी नहीं थी क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं भाई देखो डीआरडीओ में मेरे हिसाब से कम से कम तीन से चार ड्राइंग से रिलेशन में मिलेंगे भाई बिल्कुल डीआरडीओ का एग्जाम भाई जयपुर है और आठ तारीख का है ठीक है आठ तारीख का थर्ड शिफ्ट में है और जयपुर है जिन अभ्यर्थियों का एग्जाम जयपुर है तो बिल्कुल उनसे मुलाकात जरूर करेंगे तीन दिन डीआरडीओ के एग्जाम तक यही जयपुर ही रहेंगे भाई चलिए तो ठीक है भाई आप सभी साथियों का धन्यवाद और कोई मन में कोई गिरा शिकवा तो नहीं है नहीं भाई फारूख खान न तो मैंने डीआरडीओ चैप्टर में ऐड दिया था नाइन दिया था किसी कारणवश मैं फॉर्म भरने से वंचित रह गया था अच्छा अच्छा इलेक्ट्रिशियन वालों ने आपको पहले बता दिया था थ्योरी का पेपर देखो थ्योरी तो मैंने तो लगभग मुझे तो पचपन से छप्पन मिनट लगे थे डेढ़ सौ क्वेश्चनों को करने में लगभग पचपन से छप्पन मिनट में मैंने करीबन 120 से 125 क्वेश्चन 120 के समथिंग मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन किए थे और लगभग पचपन से छप्पन मिनट में पूरे डेढ़ सौ क्वेश्चन पढ़ चुका था बिल्कुल बिल्कुल एक सौ आपके नंबर है विष्णु गारंटी देता हूँ आपको आपका बिल्कुल फाइनल हो जाएगा कोई टेंशन वाली बात नहीं है कौन से कॉलेज में है शायद वो ग्लोबल है एक सीतापुरा कोई कॉलेज है वहीं है भाई ठीक है ना चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद नेक्स्ट क्लास में अपन इसके बचे हुए बिल्कुल नेक्स्ट जो क्लास अपनी रहेगी उसमें अपन इसके बचे हुए जो 75 फाइव क्वेश्चन है उनको और सोल्व करेंगे धन्यवाद जय हिंद जय भारत